एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विदर्भ न्यूज में। और विदर्भ न्यूज आपको पल पल की जानकारी दे रहा है सीधे मतगणना केंद्र जो कि अमरावती में स्थित है। अभी हमारे साथ में डॉक्टर अल्विना हक मौजूद है जो एक प्राध्यापिका है, केशरबाई लाहौटी में पढ़ाती है और पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष। पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य से जुड़ती नजर आती है और कई ऐसे अहम सवाल लेकर शासन से प्रशासन से हमेशा लड़ती हुई भी दिखाई देती है। हम विदर्भ न्यूज के स्टूडियो में डॉक्टर अल्विना हक आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आप यहाँ पर तशरीफ लाए इसके लिए आपका धन्यवाद भी अदा करते हैं। आज 1 दिसंबर को जो चुनावी प्रक्रिया संपूर्ण हुई, आज 3 तारीख है और मतगणना की शुरुआत शुरू है। पहला दौर तो खत्म हो चुका है, अब हम आगामी दौर में शुरुआत करने जा रहे हैं, दूसरा चरण भी करीब करीब समाप्ति के छोर पर है। ऐसे में सबसे पहले हम लोग अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि एक जो महिला रहती है, एक महिला जब घर से निकलती है और कहीं जाके शिक्षिका या प्राध्यापिका या और कोई कर्मचारी करके वो जब काम करती है, तो उसके लिए सबसे उसका घर और उसका काम ये कैसा संभव होता है और उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ और एक करियरिस्टिक एक प्रोफेशनल लेडी हूँ, तो मुझे पता है कि जाहिर सी बात है कि एक पुरुष के मुकाबले महिला का संघर्ष दोगुना है। महिला के लिए घर संभालते हुए, अपने बच्चों के साथ न्याय करते हुए और फिर एक प्रोफेशन में कदम रखना, वो फिर शिक्षक ही हो या कोई भी पेशा हो, वो उतना ही संघर्षमय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिला कहीं कमज़ोर नहीं है। महिला पुरुष के मुकाबले बराबरी में कंधे से कंधा मिला के आप देखिए हर क्षेत्र में अग्रसर है, अग्रमी है और उतना ही यशस्वी रूप से, उतना ही सक्सेसफुली वो सेवाएँ दे रही है। इनफैक्ट बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ आपको दिखेगा कि महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़कर और उनकी जो लेवल ऑफ सिंसियरिटी है और जो एक आउटपुट है वो ज़्यादा बेहतर है। तो आसान नहीं है लेकिन महिलाएं करती हैं, मुझे लगता है महिलाएं बहुत सक्षम है क्योंकि उनमें सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा होती है और डिवोशन होता है और एक जूझने की जो एक उनमें एक गुणधर्म है कि एक महिला का जन्म लिया है तो प्रकृति ने उसे संघर्षमय जीवन दिया है, तो वही अपने हर पेशे के साथ वो न्याय करती है। जैसे अभी हम चुनाव के नतीजे देख रहे हैं, फिलहाल में आपको क्या लगता है कि जो शिक्षक विभाग अमरावती मतदार संघ के जो चुनाव अभी संपन्न हुए उसके मद्देनजर एक शिक्षक ने ही वहां पर कदम रखना चाहिए या कोई और जिसे हमारी घटना ने अधिकार दिया है आम आदमी को भी कि वो कहीं पर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ सकता है, तो इस शिक्षक विभाग मतदार संघ से शिक्षक या प्राध्यापक ने चुनाव लड़ने चाहिए या कोई भी लड़ सकता है? देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारी घटना का जो फॉर्मेशन किया था इसका, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि केवल जब घटना अधिकार देती है तो लड़ तो हर कोई सकता है, लेकिन और हर किसी को जो भी जितने भी उम्मीदवार हैं अगर वो लड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये कि जिस क्षेत्र में वो आने के लिए अग्रसर हैं उस क्षेत्र का उन्हें अभ्यास कितना है। कंपेयर टू एक नॉन टीचिंग फैकल्टी का व्यक्ति और एक टीचिंग फैकल्टी का जिसने उस क्षेत्र में काम किया है, ये तो जाहिर सी बात है कि एक टीचिंग फैकल्टी का व्यक्ति जिस चीज़ से गुजरा है, उसने कई वर्ष उसमें स्पेंड किए हैं, तो वो उसकी समस्याओं को वो खुद भी उन्होंने सामना किया है या उनके जो कुलीग्स हैं जो उनके साथी हैं वो कभी ना कभी उस समस्याओं से जूझे हैं, तो उन्होंने उन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है, वो समस्याओं को देखा है और वो समस्याओं से लोगों को जूझते हुए देखा है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि एक शिक्षण क्षेत्र का व्यक्ति उसके साथ ज़्यादा न्याय कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज़ हम कभी ना कभी पहली बार सीखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रत्याशी जब भी वो फॉर्म भरते हैं या अपने आप को एज एन एलिजिबल कैंडिडेट वो उतारते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं उसका पूरा ज्ञान इकट्ठा कर लेना बहुत ज़रूरी है, तभी मुझे लगता है कि अगर वो चुन के आते हैं तो वो उन शिक्षकों के साथ न्याय कर सकेंगे जो बहुत उम्मीद से उन्हें वोट देते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक चीज़ ऐसी देखने में आती है कि जहाँ पर एक महिला जो कि जिला परिषद की हो या महानगर पालिका की स्कूल की हो, वो अगर टीचर है और मान लो कि वो अमरावती की रहने वाली है और हमारा जो आदिवासी जिसे हम मेलघाट जनरली जो क्षेत्र है वहाँ पर यदि वो सर्विस करती है, वहाँ पे उसके लिए अलग से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं।
देहातों में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे कि देहातों में जो महिलाएं पढ़ाती है तो उनको एक शासन का जीआर है, गवर्नमेंट का जीआर है कि उनको मुख्यालय रहना बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसे में वो एक देहात में जाकर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर करती है, इसका भी मुआयना कभी आपने किया होगा, क्या लगता है इस बारे में आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस सर्विस है, नौकरी कोई भी हो, काम को नियम एक जैसे हैं। अगर एक पुरुष और एक महिला, हम बोलते हैं महिला किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं है, अगर वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर अपने सारे अधिकार, अगर अधिकार समान है तो जो कर्तव्य है वो भी समान है, जिम्मेदारियां भी समान हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि क्यों कोई महिला को एक कमज़ोर व्यक्ति समझ के। हाँ, ये बात बराबर है कि महिला की जो सेफ्टी का पूरी तरह से, जहाँ पे भी वो जॉब कर रही हैं, जिस भी क्षेत्र में वो जॉब कर रही हैं, तो उनकी जो सुरक्षा का और उनसे रिलेटेड जो सारी व्यवस्थाएं हैं, वॉशरूम्स होने चाहिए, बाकी सारी जो व्यवस्थाएं, वो जो स्कूल है, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे होने चाहिए। बाकी रही बात गवर्नमेंट की, तो देखिए पहले जैसा मैटरनिटी लीव है 3 महीने की थी, अब वो 6 महीने की हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी है। और अगर महिला को कमज़ोर समझ के अगर आप इस तरह से ट्रीट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी अपने घर से बाहर निकल के और उतना अपने पेशे के साथ न्याय कर पाएंगी। तो महिला उतनी ही सक्षम है जितनी पुरुष हैं, जैसे सैलरी सेम है, जैसे बाकी की सारी सहूलतें महिलाएं सेम क्लेम करती हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने अपना बेस्ट देना चाहिए और देती हैं। जैसे देखिए, एक रणभूमि में सैनिक जाता है और वो अपना घर बार छोड़ के अपनी ड्यूटी निभाता है, सेम सिचुएशन एक महिला के लिए, चाहे वो लोकल में काम कर रही है, चाहे हाँ अप डाउन करते हैं, या वहाँ जैसे एक शासन निर्णय है कि उन्होंने हेडक्वार्टर में रहना चाहिए, तो उनके लिए शासन ने जो उन्हें कंपेल करता है, जो ज़रूरी करता है कि आपको यहाँ रहना है, तो उन्होंने पहले ये चेक करना चाहिए कि उनकी उनकी सुरक्षा का और उनकी जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं उसका सारा बंदोबस्त वहाँ पर हो। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे देहातों में इन सारी चीज़ों, जो प्रायोरिटी की चीज़ें रहती है, जैसे अन्न वस्त्र निवारा जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ एजुकेशन पढ़ाने वाली टीचर्स को, जो चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, बहुत सारे संकटों का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। जनरली अगर आप जिला परिषद स्कूल में देखेंगे या फिर महानगर पालिका के स्कूल में देखेंगे शहरी इलाके में, तो एक अहम बात ऐसी सामने आती है कि जो मराठी स्कूल है, जो मराठी पढ़ाते हैं या हिंदी पढ़ाते हैं, उनके पास में अभी बच्चे पढ़ने के लिए तक नहीं है। तो ये लोगों की एक समर वैकेशन में एक अलग सी एक ड्यूटी बन जाती है कि वो जाते हैं, घूमते हैं गाँव में, देहातों में चक्कर लगाते हैं और वहाँ से बच्चे कलेक्ट करके लाते हैं, उनके आधार कार्ड कलेक्ट करके लाते हैं। ये कहाँ तक सही है हमारी एजुकेशनल सिस्टम का, ये कुछ तो भी ऐसा चेंजेस होना जरूरी है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी मतलब समय के हिसाब से जैसे अदर मीडियम जो है, हिंदी मीडियम है, मराठी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, इसके कंपैरिजन में हर पालक को लगता है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा मिलनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम की स्कूलों को गवर्नमेंट ग्रांट देती नहीं है, और जो पालक अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं वो एक बहुत महंगा खर्च, नहीं भी अफोर्ड करते हैं तो भी वो खर्च कर रहे हैं किसी तरह से अपने बच्चों को सुशिक्षित करने के लिए, एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए। और जो पालक गरीब है या ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो किसी तरह इन चीज़ों को, जो रोज़ मेहनत मजदूरी, तो उन्हें आज वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो सरकार ने देना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ने, जो हमारा प्राइवेटाइजेशन के तरफ फोकस ना करके, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे आप दिल्ली में देखिए, या आप अगर आप फॉरेन कंट्री भी चले जाएं, आप यूएस भी देखिए, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। तो क्यों नहीं, जो हमारे मतलब मेरी जो भावी, जो भी हमारे शिक्षक आमदार आए या जो भी होके गए, उन्होंने करना चाहिए था, जो अभी आने वाले हैं उन्होंने ये, कि आप गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स का सशक्तिकरण करिए। वहाँ पे क्यों नहीं आप इंग्लिश मीडियम को गवर्नमेंट ग्रांट देना स्टार्ट करती है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंग्लिश मीडियम भी रहे, हाँ हमारी मातृभाषा भी होनी चाहिए, हमारी रीजनल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो आप इंग्लिश मीडियम को ग्रांट दीजिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को ग्रांटेड बनाइए, सो दैट कि वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन में जो सारे जो ड्रॉबैक्स है प्राइवेट स्कूल्स के, कि वहाँ पे सैलरीज कम है टीचर्स को, वो एक नैराश्यपूर्ण ये है कि आप देखिए एक गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल के टीचर्स का या कॉलेज के टीचर्स का और एक प्राइवेट स्कूल का बहुत ज़्यादा तफावत है, ज़मीन आसमान। एक हार्डली 10-12 हज़ार रुपये पे आपको प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स काम करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में यही उनका पे स्केल 50-60 हज़ार 70 हज़ार के ऊपर होता है। तो ये सिचुएशन में वही उतनी ही मेहनत, बल्कि शासकीय ग्रांटेड स्कूल से ज़्यादा मेहनत एक प्राइवेट स्कूल में टीचर से लिए जाती है, लेकिन उनको सैलरी नहीं है। तो क्यों नहीं जितने भी, जैसे देखिए एक डेटा के हिसाब से तकरीबन महाराष्ट्र में 7,500 जूनियर कॉलेजेस ग्रांटेड है और 1,516
जो जूनियर कॉलेजेस है वो नॉन ग्रांटेड है। ऐसा ही कुछ डेटा स्कूल्स का भी है। तो जितने भी नॉन ग्रांटेड स्कूल्स हैं उनको ग्रांटेड करिए, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम आप ये करिए, वहाँ के टीचर्स को उतनी सैलरी दीजिए ताकि एक टीचर समाधानी रहेगा, वो एक भविष्य, वो घर डा है, वो एक जो बोलते हैं कि एजुकेशन जो टीचर है वो सभी प्रोफेशंस को घड़ने का एक जो मूल ये है, शिक्षा की पेशा, वो हर पेशे को बनाता है, हर प्रोफेशन को बनाता है। तो आप उसको समाधानी नहीं रखोगे, वो 10 जगह अपनी इनकम कमाने के लिए अगर घूमेगा तो वो एक चीज़ के साथ न्याय कैसे देगा? तो उनका सबका आप प्राइवेटाइजेशन ये करके आप उसको गवर्नमेंट उसमें चेंज करिए, गवर्नमेंट फोकस करे। और मैं बोलती हूँ जितने भी क्रीम है, हमारे जितने भी एक एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है या क्रीम है, उनके सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाइए, आप अपने आप गवर्नमेंट स्कूल्स का दर्जा सुधर जाएगा। बहुत सी बातें जैसे आपने बताई वो बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन हमारे साथ में होता ये है कि हमारा जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, या हम खुद या हमारी हमारे खुद का घर जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हम दूसरों को ज्ञान देना तो ठीक समझते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर बारी आती है, कहावत है कि भाई भगत सिंह हो लेकिन बाजू वाले के घर में हो, मेरे घर में ना हो, तो उस तरह से अगर हमने अपने बच्चे यानी स्कूली टीचर के बच्चे अगर वो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो उसको अपने स्कूल का स्टैंडर्ड पता होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं डालता है, वो अपने दूसरे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला उसको देना चाहता है। अब ऐसे में अगर जो स्कूल के टीचर हैं उनकी ही संतान, बहुत सी जगह ये एक्सपेरिमेंट किया गया, यदि उनकी संतान वही स्कूल में पढ़ती है तो वहाँ का दर्जा कई गुना सुधरते हुए नजर आया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, फिर बात वही आ जाती है कि जैसे आगे चल के अगर आपको बच्चों को इंजीनियरिंग कराना है, मेडिकल कराना है, तो बच्चों का मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, ये एक ये है, क्योंकि आगे की पढ़ाई उनका हिंदी मीडियम में मेडिकल कॉलेज नहीं है, हिंदी मीडियम में इंजीनियरिंग, तो फिर उनको बेसिक एक ये एक रीज़न है टीचर्स के पास कि हमारे बच्चों को हमको आगे इंजीनियरिंग कराना है, मेडिकल कराना है, लॉ कराना है, ये सब चीज़ों के लिए बेसिक, आगे अगर इन सब चीज़ों के लिए मीडियम इंग्लिश है तो नीचे क्यों नहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस तक, नीचे से स्कूल लेवल से लेके कॉलेजेस तक ग्रांटेड कर दीजिए, आप ग्रांट दीजिए उनको, सो दैट कि वो हर पेरेंट अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सके, ऑटोमेटिकली वो दर्जा सुधरेगा, ऑटोमेटिकली वो दर्जा सुधरेगा, क्योंकि हर बच्चे का, अगर आप टीचर्स को कंपलसरी कर रहे हैं तो टीचर्स ने भी जो अपने बच्चों के लिए भविष्य प्लान किया है, आप वो टीचर है वो जॉब कर रहा है इसलिए वो किसी और मीडियम में पढ़ा रहा है, लेकिन वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में इसलिए डालता है क्योंकि उसने एक भविष्य, एक भवितव्य, एक फ्यूचर प्लान करके रखा है, वो फ्यूचर वो नीचे से इस मीडियम से वो बच्चे को नहीं दे पाएगा, इसलिए वो अपने बच्चे को दूसरे इसमें पढ़ा रहा है। लेकिन आप ग्रांटेड करिए, आप वो स्कूल को, वो कॉलेजेस को आप इंग्लिश मीडियम का ग्रांट दीजिए, ऑटोमेटिकली वो अपने बच्चे को वहाँ डालेगा क्योंकि उसको मीडियम मिलेगा, और आगे चल के आप देखिए सारी चीज़ें एक्चुअली इंटर रिलेटेड हैं, अगर एक कदम उठाया जाएगा तो उससे रिलेटेड कई चीजें हैं जो सुधरती नजर आएगी। नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज, वो सवाल हमारा जैसे कि वैसे ही है कि भाई जहाँ तक हम ये देखते हैं कि जो स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है वहाँ पर भी उसको वो माहौल नहीं मिलता है, खुद उसको पता होने के बावजूद, फिर जहाँ से जब गवर्नमेंट उसको वो टीचर को बच्चे पढ़ाने का एक अच्छा खासा पगार देती है, अच्छा खासा पैसा देती है, तो वो फिर दूसरों के बच्चों के साथ में अन्याय नहीं होता है क्या? नहीं देखिए, एक टीचर जो है वो अपनी ड्यूटी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिस्टम से मजबूर है, टीचर वहाँ जा रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं, क्योंकि पॉलिसी मेकर टीचर नहीं है, टीचर के ऊपर पॉलिसी बना के दी गई, रख दी गई, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जैसे जो एजुकेशन सिलेबस हम नहीं बनाते, सिलेबस हम नहीं प्लान करते, कहीं से वो एक बोर्ड है, एक वो है जिसमें, और देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि राजकारण में अगर एजुकेशन जाता है तो राजकारण निश्चित तौर पे सुधर जाएगा, लेकिन एजुकेशन में अगर राजकारण आता है तो एजुकेशन का जो खराबा होना है वो आप देख रहे हैं कि एजुकेशन राजकारण में, मैं फिर से वही बोलूंगी कि अगर एजुकेशन राजकारण में जाता है तो राजकारण सुधार के रखेगा, और अगर राजकारण एजुकेशन में आता है तो एजुकेशन को बिगाड़ के रखेगा। तो ये चीज़ अगर राजकारण विहित रहित अगर एजुकेशन पॉलिसी हो जिसमें राजकारण का अगर हो भी तो सुधार के लिए इन्वॉल्वमेंट हो, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत, तस्वीर बहुत बदल सकती है। पॉलिसी उस तरह से डिसाइड करे कि बच्चे को सिर्फ सिखाया जाए, उसको सिर्फ एक मटेरियल ना बनाया जाए, या उसको किसी एक विचारधारा का ना बनाया जाए, उसको एक सेक्युलरिज्म के साथ उसको सब कुछ सिखाया जाए उसका, ताकि वो बड़ा होके उसमें क्रिएटिविटी आए, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आए, उसमें वो जॉब ओरिएंटेड हो, वो अपना करियर बना सके। आज हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, हम सिर्फ एक, जैसे फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है, सिर्फ एक प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं,
तो वो प्रोडक्ट्स ना निकाले, उनको एज अ स्टूडेंट एज अ व्यक्ति लाइफ की सिचुएशन फेस करने के लिए तैयार करे। और ये तब होगा जब वो एजुकेशन पॉलिसी वैसी बनेगी और उसका अमल पहुँचानी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वैसा होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी फिलहाल में कई वर्षों के बाद में मैंने पिछले कई सालों में हमने ये देखा है कि कई राजकीय पक्ष इन फिलहाल की इन रणसंग्राम में उतर चुके हैं, जैसा कि इस बार हुआ है। तो ऐसे राष्ट्रीय पक्ष ने यहाँ पर एक शिक्षक मतदार संघ में अपने प्रतिनिधित्व देना, ये कहाँ तक आपको सही लगता है या गलत लगता है? जैसा आपने अभी बताया कि एक एजुकेशनलिस्ट अगर इसमें पॉलिटिक्स में जाता है तो पॉलिटिक्स को सुधार के रखने की ताकत वो एजुकेशनलिस्ट रखता है, लेकिन वही आपने ये भी बताया कि अगर एक पॉलिटिशियन अगर एजुकेशन में आता है तो एजुकेशन के खराब होने के चांसेस आपको नजर आते हैं। देखिए, मैंने इसलिए बोला है क्योंकि पॉलिटिकल जो अलग अलग पार्टीज है, हर किसी की अपनी एक विचारधारा है। जो पार्टी सत्ता में रहेगी अगर वो अपनी विचारधारा एजुकेशन पे थोपेगी और वही चीज सिलेबस पे, तो आप एक सेक्युलर जनरेशन नहीं तैयार कर सकोगे। आप एक एक्चुअली जो आप चाहते कि एजुकेशन से बच्चों को हासिल हो, आप वो नहीं तैयार कर सकोगे। रही बात कि अभी के जो इलेक्शंस में, तो देखिए जो संगठनाएं हैं, जो शिक्षक संगठनाएं हैं, विजुक्ता है, न्यूटा है, या जो भी अदर दूसरी अलग अलग जो शिक्षक संघर्ष संगठना, ऐसी बहुत सारी संगठनाएं हैं। मुझे ऐसे लगता है अगर ये संगठनाएं अपने आप में पॉलिटिकली फ्री और मजबूत होती तो शायद ये पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कभी इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं संगठनाओं का एक वो है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने अपनी जो उनके जो यूनियन है उसकी यूनिटी बना के उसका सशक्तिकरण करना चाहिए, बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसमें इंटरफेयर करने दी। क्या लगता है अभी आपको कि ये जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इसमें अगर हम अमरावती शहर की या अमरावती अकोला यवतमाल बुलढाणा वाशिम जो 5 जिलों का हमारा संभाग है, इस संभाग की यदि बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन से चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस एजुकेशन में आने चाहिए? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों के जो एजुकेशन सिस्टम में आप अगर चेंज लाना है तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन दीजिए उनको, उनके ऊपर कोई विचारधारा मत थोपिए। ये सबसे सबसे एक मेजर जो चेंज आना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि हर लेवल पे आप, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई इंग्लिश मीडियम है, अगर पेरेंट्स को वो चाहते हैं कि आगे का एजुकेशन पेरेंट्स का या टीचर, जैसे आपने बोले टीचर भी एक पेरेंट ही है, जब वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल रहा है तो वो एक पेरेंट की हैसियत से सोचता है। पढ़ाना उसका जॉब है, लेकिन एज अ पालक उसका एक कर्तव्य है अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना। आप इंग्लिश मीडियम को आप ग्रांट दीजिए, इंग्लिश मीडियम के कॉलेजेस स्कूल्स को आप ये करिए, साथ ही अपनी उनकी मातृभाषा जो है वो भी उन्हें सिखाइए, वो भी कंपलसरी करिए, ताकि बच्चे अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से दूर ना हो। लेकिन उसके साथ साथ विविड अपॉर्चुनिटीज़ उनको दीजिए। उसके अलावा जैसे पर्टिकुलर जूनियर कॉलेज की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आप देखिए उसका एक अलग अस्तित्व नहीं है। अगर या तो स्कूल से अटैच है तो वो अपने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल से डिपेंडेंट है, अगर वो सीनियर से अटैच है तो वो सीनियर पे डिपेंडेंट है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके ऊपर अभ्यास करके, जहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर काम करके रोज़गार बढ़ेगा। अगर आप जूनियर कॉलेज को एक इंडिपेंडेंट स्टाफ देते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, तो रोज़गार बढ़ेगा, काम करने का दर्जा बढ़ेगा, टीचर्स के ऊपर वर्कलोड प्रेशर कम आएगा, और जाहिर सी बात है कि वो अपने इसके साथ और ज़्यादा बेटर न्याय कर सकेंगे। ऐसे और बहुत सारी, जैसे देखिए और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पे स्केल, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो टीचर्स को, जैसे मैंने आपको ग्रांट और नॉन ग्रांट का फ़र्क बताया कि एडेड और नॉन एडेड, जो अनएडेड जो स्कूल्स हैं उसका फ़र्क, वैसे ही देखिए कि जूनियर और सीनियर का एक बहुत बड़ी तफावत है। 6th पे कमीशन तक के सब सेम था, सडनली जब 5th पे कमीशन तक सब सेम था, 6th पे कमीशन में तकरीबन 50% यानी 20-22% पे हाइक सीनियर कॉलेज को मिला, जूनियर को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वर्किंग आवर्स सेम है, मेहनत, आप जितना छोटा बच्चा ये करते हैं, जैसे आप देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में इसका एग्जैक्टली उल्टा सिस्टम है। सबसे ज़्यादा सुशिक्षित जहाँ बच्चे का फाउंडेशन बना रहे हैं, जो छोटा बच्चा है प्राइमरी टीचर्स ऑनवर्ड्स, सबसे ज़्यादा मेहनत वो टीचर्स करते हैं। कॉलेज टीचर्स से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर एक बच्चे को घड़ने पर मेहनत करते हैं तो वो प्राइमरी टीचर्स हैं। प्राइमरी टीचर्स की हमारे यहाँ इंडिया में पेमेंट सबसे कम है। आप देखिए सबसे लोएस्ट क्लास वाइज शुरू होता है, जैसे जैसे ऊपर आते हैं फिर जूनियर कॉलेज पे ज़्यादा, फिर सीनियर कॉलेज पे सबसे ज़्यादा, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत वो करते हैं। तो जहाँ जहाँ पाया अगर आप मजबूत बनाओगे फाउंडेशन अगर, तो आप उनको उतना पे करिए, उनको उतना आप रिटर्न्स अगर देते हैं, वो समाधानी है तो उनको एक अपने प्रोफेशन के लिए, देखिए एक है कि समवन इज़ अ टीचर बाय चॉइस और समवन इज़ अ टीचर बाय चांस।
अगर वो बाय चांस टीचर है तो वो कभी अपने पेशे के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा, और अगर वो बाय चॉइस अगर वो टीचर है तो वो हमेशा अपने पेशे से, मतलब लव व्हाट यू डू, वो अपने पेशे से बहुत प्यार करेगा, उसके साथ न्याय करेगा, और ऑटोमेटिकली एक टीचर जब अपना पूरा समर्पण के साथ अपना काम करेगा तो वो बेस्ट देगा, जितना वो समर्पण से वो बेस्ट देगा। तो ये जो सारे फ्लॉज हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी की कम करिए किसी की ज़्यादा करिए, मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन मुझे, मैं एज अ एजुकेशनलिस्ट जो मैं इसमें जो नोटिस करती हूँ कि कितना कम है, कि लोग पहले एक वो होता था कि लोग टीचिंग फील्ड में आने के लिए सबसे ये करते थे, आज लोग टीचिंग फील्ड से दूर भाग रहे हैं, अदर जो काम है, बाकी के जो काम है आपने शिक्षकों को जोड़ दिए, वो पढ़ाता, जैसे आपने बोला महानगर पालिका नगर परिषद, ये जो टीचर्स है वो पढ़ाते कम है क्योंकि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, वो पढ़ाते कम है, उनको अदर काम ज़्यादा है, उनको बस उनको जनगणना करना है, उनको सेंसस करना है, उनको अलग अलग योजनाएं, शासन की योजनाएं उनको चलानी है, तो टीचर पढ़ाएगा कब, इलेक्शन ड्यूटीज़ है, टीचर पढ़ाना छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहा है, तो फिर आप बताइए कि वो कैसे न्याय करेगा। और ये सब चीज़ें अगर आप उन पर इम्पोज कर दे रहे हैं, जिस चीज़ के लिए वो है वो छोड़कर अगर आप उनसे सब कुछ करवा रहे हैं तो जो करना है वो कब करेगा। ग्रामीण में जो स्कूलों की बदहाली है, कैसे सुधरेगा स्टैंडर्ड, कैसे जब पेरेंट्स देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के टीचर्स पढ़ाना छोड़ के बाकी चीज़ों में बिजी है, वो टीचर अपनी जगह मजबूर है, वो पेरेंट्स अपनी जगह मजबूर है, वो वहाँ से निकलता है, वो पढ़ाना ही नहीं चाहता वहाँ पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि ये जो हमारे जो भी जनप्रतिनिधि, शिक्षक, शिक्षकों के जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करें और वो जाएं, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को हाउस में रखना चाहिए, स्ट्रांगली फर्मली रखना चाहिए, और ये चीज़ों को मंजूर करवाना, कन्विंस करना चाहिए हाउस को। और ऐसा कोई धोरण कि टीचर सिर्फ पढ़ाएगा वो और ये सब चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि उसका फुल टाइम वो उसके लिए है, वो ये करेगा, उससे रेलेवेंट काम करेगा लेकिन वो बाकी के काम नहीं करेगा। उसका ये जो सारी जो तफावत है, जो मैंने आपको बोला ग्रांड नॉन ग्रांड का, इन सब के ऊपर जो अभ्यास करे, उसकी जानकारी ले, उस पर काम करे, तो ऑटोमेटिकली आप देखिए हमारा शिक्षण का दर्जा सुधरेगा। क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट हमारा डिफेंस है, हमारे जो टोटल नेशनल पॉलिसी में डिफेंस जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है, उतना ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन हर क्षेत्र को, हर फील्ड को बना रहा है, वो हर अलग अलग पेशे के लोगों को तैयार कर रहा है, और वही अगर सबसे कमज़ोर रहेगा तो आप बताइए कि आने वाली जनरेशन, इनका विकास कैसे होगा, ऑन द होल कंट्री का विकास कैसे होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, अगर एक टीचर अपने पेशे के साथ में, माने यदि उसका पेशेंस रहता है, पैशन अगर रहता है और वो टीचर पैशन से रहता है, तो बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी सेवाएं वो ये समाज को दे सकता है। अदरवाइज बाय चांस अगर वो टीचर बन जाता है तो वो अपने खुद के लिए सिर्फ मजबूरी से काम करता हुआ अपने को नज़र आएगा। फिलहाल में एक चीज़, और कई दिनों से हम लोग सोचते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे यहाँ का जो चल रहा है, फिलहाल में आप एक जूनियर कॉलेज की प्राध्यापिका है, ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि आजकल बच्चों का कॉलेज जाने आने का जो पीरियड है, जो कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि बच्चे कॉलेज में जाते ही नहीं है, इस पर क्या 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 कहना चाहेंगे आप कि बच्चे जनरली कॉलेज में दिखाई नहीं देते, कम दिखाई देते, वो ट्यूशन क्लासेस में ज़्यादा रहते हैं और कॉलेज में सिर्फ नाम मात्र दाखिला लेने के लिए कॉलेज में आते हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि जो कॉलेजेस होते हैं वो रेगुलर होते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे आते भी हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो अभी 80-20 का रेशो है कि थ्योरी के साथ उनके प्रैक्टिकल है, ये है, तो उनको आना तो है, आते ही हैं। हाँ, लेकिन एक ये है कि जो बाकी के जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस खुल गई हैं, वो कोचिंग क्लासेस उनको जो करियर ओरिएंटेड जो चीज़ दे रही है, जैसे कॉमर्स वाले बच्चे का उद्देश्य होता है सीए, साइंस वाला बच्चा या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल के तरफ जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा कोचिंग जो उनको मिलती है रिलेटेड टू वो एग्ज़ाम, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो आई हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उनको जो कोचिंग अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि देखिए जो JEE अगर आपको क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, आपको CA करना है, NCERT का जो सिलेबस है, जो एक नेशनल, एक राष्ट्रीय स्तर का वो है, जब तक गवर्नमेंट एजुकेशन फील्ड में पूरी तरह इंटरेस्ट लेकर तज्ञों को बिठाकर अगर ये यूनिफॉर्म नहीं करेगी, ये जो सारी चीज़ें हैं कि जो बोर्ड पढ़ा रहा है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, इसमें बच्चे की नीड फुलफिल नहीं हो रही है, इससे हटके, क्योंकि वो जो सिलेबस है, जो सिलेबस JEE और नीट का है, वो नेशनल लेवल पर डिसाइड होता है, वो हमारे सेंट्रल लेवल पर डिसाइड होता है, और यहाँ पे जो परीक्षाएं होती है हम स्टेट लेवल की परीक्षाएं लेते हैं, तो वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को कोप अप करने के लिए ये जो कोचिंग क्लासेस जो चल रही हैं, जो सिलेबस
एनसीईआरटी का सिलेबस जो ये एग्जाम्स को क्रैक करने के चाहिए वो नीड ये कोचिंग क्लासेस पूरी करती हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे उधर डाइवर्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। अक्सर देखते हैं मैडम कि जनरली कुछ कोचिंग क्लासेस का कुछ कॉलेजेस के साथ में ऐसे रिलेशंस रहते हैं कि वो रिलेशन में ये तक कहा जाता है कि भाई आप वहाँ पर फलानी जगह पर यदि एडमिशन लोगे तो आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे सुबह 7 बजे आप यहाँ उठ के आओ और रात को बोरिया बिस्तर बांध के घर पे जाओ। तो इस तरह का भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोचिंग क्लासेस ने आके बहुत सारी भगदड़ सी मचा दी है, और इनकी फीस को देखते हुए कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख, लाख में जब एक बच्चा खेलता है तो पेरेंट्स की क्या हाल होते होंगे। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ आपसे कि देखिए सेम चीज़ अगर आप देखेंगे विद्यापीठ का, यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट किया है, कुछ यूनिवर्सिटी में भी मैंने ऑनररी ये किए हैं, मैंने वहाँ पे भी ये जो आपको डिफरेंस दिखाई देगा ये डिफरेंस को ब्रिज करती हैं ये कोचिंग क्लासेस। जैसे आप देखिए कि हमारे यहाँ अमरावती यूनिवर्सिटी का जो पीजी का सिलेबस है था पहले, वो सिलेबस ऐसा नहीं था कि जिससे जिसको पढ़कर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़कर भी एक विद्यार्थी नेट सेट क्लियर कर सके, जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है या स्टेट एंट्रेंस टेस्ट है वो क्लियर कर सके। तो फिर क्या था कि बच्चे जाते थे पूना यूनिवर्सिटी का। तो ये जो डिफरेंस है, हालांकि UGC एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्निंग ये है, लेकिन उसके बावजूद ये जो डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं अब जाके अमरावती यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस को रिवाइज किया है पिछले 2 साल से, अब जाके उन्होंने वो सिलेबस को इग्नू लेवल का लाया है कि अब वो पढ़ने के बाद बच्चा हाँ वो नेट सेट के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकता। सेम चीज़ अगर नीचे तक भी आती है कि बच्चा कॉलेज क्यों नहीं आना चाहता, क्योंकि उसको एक एंट्रेंस, उसका एक टारगेट है, उसको एक एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो क्रैक करने के लिए NCERT का सिलेबस कंपलसरी है, वो NCERT का सिलेबस स्टेट बोर्ड प्रिस्क्राइब नहीं है। तो ये अगर इन चीज़ों में सुधार होता है तो डेफिनेटली देखिए कोचिंग क्लासेस बच्चों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बावजूद इसके हर बच्चा, जैसे हम ये नहीं बोल सकते हर बच्चा कोचिंग क्लास नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके लिए कॉलेज में टीचर्स हैं, पूरा फुल टाइम टीचर्स फुल टाइम होते हैं, जितना भी बच्चा आए वो लेते हैं रेगुलरली, अपनी ड्यूटी ये करते हैं, और उसके अलावा जो कोचिंग क्लासेस देती है वो उनका एक सब्स्टिट्यूट हेल्प है, लेकिन हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो कॉलेजेस इसलिए रहना ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चा 2 लाख 3 लाख फीस नहीं भर सकता, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फिर गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, अगर कॉलेज भी नहीं पढ़ाएगा तो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे। इसलिए और बच्चे आते हैं, जो जितने जो बच्चे अपने कॉलेज से जुड़े हैं ये है वो आते हैं, क्लासेस भी जाते हैं, कई आप देखेंगे कि जहाँ पर जो बच्चे अपने कॉलेज का, तो वो उनका कॉलेज टाइमिंग के अलावा के में क्लासेस हैं वो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जो गैप है, ये गैप को कैटर करने के लिए, ये गैप को फुलफ़िल करने के लिए, फिर से मैं वही बोल रही हूँ, एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से नहीं हो रही है, ये मतलब इसको टीचर्स नहीं कर सकते, ये इसको हमारे मैनेजमेंट नहीं कर सकती, इसको हमारे प्रिंसिपल नहीं कर सकते, इसको करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसको करना पड़ेगा वो लेवल पे कि जहाँ से ये सब पॉलिसीज डिसाइड होती हैं, कि जिसमें फिर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है, जिसमें सब बाकी चीज़ें हैं, तो उससे रहित जब ये सब चीज़ें यूनिफॉर्म इसमें आएगी और एक जैसा सब गवर्नमेंट इसमें चलेगा, तो आप देखिए चित्र शायद कुछ और होगा। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप विदर्भ न्यूज़ के साथ में जुड़ी है। फिलहाल में हमारे पास में अभी चुनाव जो जहाँ पर मतगणना जारी है वहाँ से कुछ समाचार हमारे जो प्राप्त हो रहे हैं वो आप हमारी ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि कौन सा जो प्रत्याशी है वो किस लेवल के मतगणना चल रही है वहाँ पर और किससे कितने मत मिल रहे हैं। फिर से हम आपके साथ में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र मार के आते हैं हम अपने मतगणना केंद्र से। तब तक के लिए दोस्तों हमसे बने रहिए और जुड़े रहिए विदर्भ न्यूज़ 365 से, जो कि GTPL सेटअप बॉक्स नंबर 72 पर आप हमें देख रहे हैं और UCN सेटअप बॉक्स नंबर 81 पर आप हमें देख रहे हैं। आप अपने व्यस्त समय में से विदर्भ न्यूज़ के साथ में आई, विदर्भ न्यूज़ के साथ में जुड़ी, इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर से हम आपको एक बार और मुखातिब होंगे कुछ देर बाद में, जब तक हमारे पास में चुनाव के नतीजे पहुंचते हैं तब से हम एक बार फिर से आपसे मुखातिब होंगे। लेकिन आपने जो हमें समय दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।